Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello guys, welcome to my channel. आप सभी का स्वागत है। तो इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस बार मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ और चीज़, क्योंकि यार जो है अभी मतलब जगह जगह दिखा के मैं भी थोड़ा थक गया हूँ। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक ऐसी मूवी जो अभी अभी रिलीज़ हुई है यहाँ पर, और जिसका मतलब यहाँ पे ना फैन क्रेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज हम उसी को देखेंगे और बताएंगे कि कैसी मूवी है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का, शुरू करते हैं कुछ अलग। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे अपने सिनेमा हॉल के बाद। ये पे जो हम वेनम देखेंगे और आपको बताएंगे, इसके बाद रिव्यू देंगे, लोगों से भी पूछेंगे कि उनको कैसी लगी। इंडिया में इसका क्रेज तो उनको पता ही है। तो यहाँ पे जो है अभी भीड़ नहीं है कोरोना की वजह से, थोड़ा मतलब डिस्टेंस का भी बनाया, इसलिए मैं भी मास्क पहन के बात कर रहा हूँ। तो अभी हमें देखते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं, फिर टिकट लेते हैं, आपको बताते हैं कैसा टिकट आया है, कितने का है। चलिए मिलते हैं अभी आपको अंदर। चलिए तो हम यहाँ से अब अंदर जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त है, बहुत ही पुराना दोस्त है। चलिए आइए अंदर का सीन दिखाते हैं आपको कैसा चल रहा है। ओ खेड़ा सीन है, खेड़ा ही है अपना है काउंटर। चलिए अभी तो यहाँ पे भीड़ नहीं है उतना, इन्होंने कोरोना का भी देखा है धीरे धीरे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अंदर काउंटर है अपना, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा टिकट। अग्रवाल अमन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल से 200 बात करा दिया भाई, मेरा नहीं आया। ये आगे तो यहाँ पे हमने 4 टिकट ले लिया। अभी देखते का 11-15 का शो है, 110 की एक टिकट गोल्ड। तो गाइस जैसे मैं अंदर आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे पीछे जो है अपनी ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है, जिससे उसके नीचे हाथ रखो तो अपने आप सैनिटाइजर आता है। ये बहुत अच्छा किया है यहाँ पे इन्होंने, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। सैनिटाइज करने के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये, और ये होना चाहिए हर थिएटर में बहुत ही। और ये यहाँ पे सीटों का भी मतलब एक छोड़कर एक बैठने का है यहाँ पे, ये भी अच्छा है। और ये अपना 11-15 का शो टाइमिंग यहाँ दे रही की, यहाँ पे बस टाइम हो चुका है। पीछे भीड़ भी ज़्यादा हो रही है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया वेनम 2 के लिए, 10 मिनट ही रह गया अब तो। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं भीड़। चलिए थोड़ा सा वेट और फिर वेनम 2। बहुत बड़ा फैन है मार्वल का, आप देख सकते हैं। कुछ बोल भाई अपने बारे में। अवेंजर की नई सीरीज में यही है। हाँ नई सीरीज में हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि अंदर। और ये जो क्या था वो ब्लैक पैंथर की जगह अब ये काम करेगा, बेचारा जा चुका है। टैलेंट और नहीं झेल पाओगे, यही इसका इलाज है। किस कीमत पर? माइकल ये क्या हो रहा है? मैं मरने वाला था पर अब मैं जिंदा महसूस कर रहा हूँ, ज्यादा ताकतवर और तेज। मैं आवाजों से चीजों को समझने लगा हूं और मेरी खून पीने की तलब बेतहा बढ़ गई है। हम किस हद तक जा सकते हैं कि
किसी चीज को सुधारने के लिए। ये बहुत बड़ा झटका है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे समझने में सच तो ये कि तुम किसी से प्यार नहीं करते क्योंकि रिश्ते निभाना तुम्हारे बस की बात नहीं। ठीक है, अगर ऐसा है तो डैन से शादी मत करो। डैन के साथ मुझे सेफ लगता है और तुम्हारे साथ लगता था पता नहीं कब क्या हो जाए। किसी अनहोनी के साए में जिंदगी नहीं गुजार सकती। अनहोनी है मतलब अनहोनी तो होनी है। मेरा दोस्त एक सेल्फी हो जाए। ये क्या, ये चाइना का है? नहीं, मैंने खुद डिजाइन की है। हे, कौन मैं? अंशरत को चले गया। सॉरी, नहीं, तो मेरे टाइप की नहीं। अब मैं आसान हूँ एडी की कैद से। कितना खुश है वो? पुलिस पूरे शहर में उन्हें ढूंढ रही है। तो इसका मतलब क्लीचर्स में एक सिम्बियोट है। इसमें एक सिम्बियोट है, उसमें एक सिम्बियोट है, कल कहोगी मैं भी एक सिम्बियोट हूं। लूसर। क्या कहा? एडी को जरूरत है वेनम। इन्होंने मुझे लूसर, उसने कहा वेनम की जरूरत नहीं और जिंदगी उसके बिना बहुत अच्छी थी। यही समझ में नहीं आ रहा आप इस तरह क्यों? समझ गई हो? मैं समझी। अपने पिछले हुए दो पहाड़ी के अब लड़नी पड़ेगी। ज्यादा नाटक मत करो, जाकर अपने दोस्त की मदद करो। उसने कहा तुझे तो टॉयलेट साफ करने का काम भी ना मिले। क्लीनर्स उसे बदला लेने आएगा, वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं बचेगा। अब कहीं तुमने पते की बात, क्योंकि हम दोनों में मैं ही तो हूँ असली हीरो। हाँ, तुम ही तो हीरो हीरा लाल हो। तुम सबसे कूल हो, सबसे हॉट और मेरी फेवरेट है। मार ही डालोगे? नहीं, एक बार कुछ तो शो करो। अरे मुझ जैसी बात तुझ में नहीं है। थोड़ी शोहरत तो दिखाओ। चलो चलते हैं बचाने उस अटे ढोल को। अंदर बैठ जाओ। हेलो, किसके लिए? तेरा मेरा लगेज। तो गाइस, हम आज में वेनम देखे, इतनी शानदार मूवी थी और मजा ही आ गया। मतलब उसमें कॉमेडी जो सीन थे ना भाई, वेनम ने तो बिल्कुल तबाही मचा दी। तो अभी हम लोगों से रिव्यू लेते हैं, लोगों से पूछते हैं उनको कैसा लगा। चले आइए। भैया आपने देखी अंदर मूवी? जी हाँ। कैसी लगी आपको? बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। मैंने पहला पार्ट देखा था और सेकंड पार्ट भी देखी अभी, तो बहुत शानदार मूवी बना रखी है। तो भैया आप कौन सा पार्ट देखना चाहते हैं? 3000 वाली कॉमेडी वाली अच्छा लगा। बहुत अच्छी मूवी है और दर्शकों को ये भी बोलूँगा कि ये मूवी आओ और देखो। ठीक है, बहुत बहुत देखा। तो भाई हम यहाँ पे करते हैं अपना ब्लॉग खत्म। आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना यार। वेनम का तो मतलब क्रेजी कुछ अच्छा है। यहाँ पे इसके दोनों पार्ट में बहुत ही ज़्यादा शानदार गए और इसका 3 का वेट है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें।